Sergin. अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स, दोस्त भाई सब ठीक ठाक है। मेट्रो में सफ़र करते हैं, पिंडी की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो। और ये गाड़ी आ गई विदा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बाराकोहू बाजार है। और बाराकोहू बाजार से मेट्रो शटल चलती है, जो 15 रुपीज़ में आपको मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा देती है। तो अभी हम मेट्रो शटल में सफ़र कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त अटल चौक से भी अभी यहाँ एक स्टॉप पे सवारियाँ बैठने लगी हैं, तो इनको पिक करके हम चल पड़े। ये शटल सर्विस के थ्रू हम अब आ गए बाराकोहू शहर से। अब आगे हमने बैठना है मेट्रो में, बस में। वो सामने बस है, तो चलते हैं, टिकट लेके आगे सफ़र करते हैं। चल जी, जी व्यूअर्स, तो अभी हम बाराकोहू से निकल के इस्लामाबाद सेक्टर G8 पेम्स हॉस्पिटल 0 पॉइंट की तरफ चल पड़े हैं। ये जो आपको व्यू देखने को मिल रहा है, यहाँ हम करीब अब लेक व्यू पार्क के पास पहुँच गए। लेक व्यू पार्क स्टॉप पर ये व्यू, लेक व्यू पार्क पर हमने स्टॉप किया, और उसके बाद हम दोबारा स्टॉप से निकल गए। आगे ये लेक व्यू पार्क का गेट आता है, ये हमने क्रॉस कर लिया, और हम आगे पिंड की तरफ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। ये जी, हम अभी लेक व्यू पार्क के बाद हम कश्मीर पॉइंट मरी रोड पर इस्लामाबाद की तरफ राउंड अबाउट से टर्न हो चुके हैं। अभी हम आगे 0 पॉइंट अपारा की तरफ अपना सफ़र कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक शामूजान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो ये पैसेंजर हैं जो मेट्रो बस में सफ़र पे हैं, और अपारा 0 पॉइंट की तरफ अभी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। ये जी अपारा बाज़ार स्टॉप है। अपारा बाज़ार स्टॉप पे हम, स्टॉप से हम अभी निकल गए 0 पॉइंट की तरफ। ये जो अभी राउंड अबाउट पुल आएगा, वो ब्लू एरिया के साथ लिंक करता है और शकरपनिया के साथ। तो यहाँ करीब एक स्टाफ भी बनाया गया है, ताकि लोग अगर इधर से कहीं आस पास जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ स्टाफ पे उतर सकते हैं। ये सामने अपारा बाज़ार की एंड में जो बिल्डिंग बनाए गए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और ये राउंड अबाउट है जो पुल के नीचे से हम अब गुजर रहे हैं।
तो बड़ा ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा माहौल है, इस वजह पे हमने फ़ैसला किया कि आओ पिंडी चलते हैं। और पिंडी में कुछ ज़रूरी काम थे जो करने थे, तो वो काम करने के लिए अब हम चल पड़े हैं। ये जी हम अभी 0 पॉइंट पर आ गए हैं, जो श्रीनगर हाईवे और एक्सप्रेसवे का एक्सेस पॉइंट है। तो ये मॉन्यूमेंट के पास करीब पड़ता है। ये जी 0 पॉइंट आप देख रहे हो, वह हमने सामने जाना है। तो अभी हम 0 पॉइंट को क्रॉस करने लगे हैं। इस टाइम मुझे सही नींद आ रही थी और मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर दी, और सफ़र का जो मज़ा था वो डबल हो गया। बड़ा अच्छा और पुरसकून सफ़र। ये हम अभी एक्सप्रेसवे पर आ गए, जो कि फैसल मस्जिद की तरफ सीधा सीधा जा चुकी है। हम अभी स्टॉप पर रोकेंगे और स्टॉप के बाद हम आपको सेंटोरियस मॉल की व्यू दिखाएंगे, जो बड़ा एक खूबसूरत मॉल है, वो भी आप देख सकेंगे। तो इससे पहले मैंने बटाबाद मरी अयूबियन चगली की वीडियोज़ अपलोड की हुई है चैनल पे, जाके वो भी आप देख लें। ये अब हम अपने एक स्टॉप जहाँ हमने अब उतरना है, हम वहाँ पहुँच गए हैं। अभी इसके बाद हमें दूसरी मेट्रो में बैठना है, जो कि सेक्रेटेरिएट। ये तो 50 रुपये बढ़ गए, अब हमने जाना है आगे उस वाले मेट्रो में 30 रुपये पे। अभी हम जाएंगे अभी पिंडी की तरफ। अच्छा यह पैसेंजर वेट कर रहे हैं बस का, कि बस आए और हम वहाँ से यहाँ से फिर हमें पिक करके पिंडी ले जाए। तो ये जी बस आ गया है, आओ जी अब बस में सफ़र करते हैं। अंदर का व्यू है बस में। अभी बस अपने स्टेशन से चल पड़ी है पिंडी की तरफ। ये इस्लामाबाद से पेम और सेंटोरियस का स्टॉप जो है, वहाँ से अब हम सफ़र कर रहे हैं पिंडी की तरफ। अंकल से शॉर्ट सी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि अंकल बड़े मज़े का सफ़र एंजॉय कर रहे थे और बाहर देख रहे थे कि क्या सीन है। तो ये अंदर का व्यू है जहाँ पैसेंजर अपना सफ़र कर रहे हैं। मेट्रो भरी हुई है, मैक्सिमम 150 बंदा अंदर खड़ा है। ये हम अभी फैज़ाबाद को क्रॉस करके पिंडी की तरफ, बल्कि पिंडी में दाखिल हो चुके हैं। और अभी ये सामने पार्क आपको नज़र आ रहा है, जो पिंडी का अल्लामा इकबाल पार्क कहलाता है। यहाँ हम पहुँच के मेट्रो से उतर गए और ये पिंडी का रड़गर, पिंडी का माहौल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। तो बड़ा अच्छा लगा।
बड़ा ज़बरदस्त। अभी हम शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ लेने के लिए आए हैं, तो कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी सी क्वालिटी के चीज़ें हमें मिल जाए। तो अभी बस अभी हमारा शॉपिंग का थोड़ा सा काम और भी बाकी है, तो यह हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय करें।